क्रैश ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 विच इज क्रैश्ड एट कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो दिस कालीकट इज ऑल्सो नोन एज द करीपुरा एंड दस द कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द करीपुर एयरपोर्ट। दिस इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इट इज सिचुएटेड एट मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। तो हाल ही में बड़ी दुखद घटना हुई है, एक प्लेन क्रैश हुआ है कारीपुर एयरपोर्ट पर जो कि केरल के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। सो दिस इज द आउटर व्यू ऑफ द कारीपुर एयरपोर्ट। सो द इल फिटेड एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 विच क्रैश लैंडेड एट कोझीकोड और से द कालीकट एंड किलिंग एटलीस्ट 18 पीपल ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग द टू पायलट्स एंड इट हैड टच डाउन नियर टैक्सीवे सी विच इज अप्रॉक्सीमेटली अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रनवे 10 विच हैज़ ए टोटल लेंथ ऑफ 2700 मीटर्स अकॉर्डिंग टू द AAI। यानी जो ये कोझीकोडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसमें जो रनवे लेंथ है ये 2700 मीटर है, यानी लगभग 2.7 किलोमीटर है AAI के अनुसार। तो इस तरह से जब ये प्लेन लैंड हुआ और स्किड हुआ तो उसके बाद दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया ये। नाउ व्हाट आर द इश्यूज विच कुड लेड टू द एक्सीडेंट। सो देर आर प्राइमा फेसी देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज विच कुड लेड टू द एक्सीडेंट। लाइक नंबर वन, ऑल ऑफ यू नो कि दैट देर वॉज ए टेबल टॉप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी इसकी जो हवाई पट्टी थी वो जैसे टेबल का टॉप है उस तरह की थी और ये लगभग इट हैड ए लेंथ ऑफ इट हैज़ ए लेंथ ऑफ अराउंड 2700 मीटर्स। बट इट इज़ फाउंड दैट प्राइमा फेसी दैट देर वॉज एक्सेसिव रबर डिपॉजिट्स। जो टायर के रबर्स बहुत ज़्यादा जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो चिकनाई आ जाती है। देर वॉज एक्सेसिव रबर डिपॉजिट्स ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स देर वॉज वाटर स्टेग्नेशन एंड क्रैक्स। बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेन्स देर वॉज ए लो विजिबिलिटी एंड देर वॉज एक्सेसिव टेल विंड्स। चूंकि बहुत ज़्यादा लो विजिबिलिटी थी तो जो फ्लाइट है वो अपोजिट डायरेक्शन में वो लैंड हुई और जब जिस डायरेक्शन में वो जब लैंड कर रही थी तो टेल विंड बहुत स्ट्रांग थी और टेल विंड ने जब पायलट ने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद भी टेल विंड से उसकी स्पीड कम नहीं हुई और बढ़ती ही गई। जबकि जो इसके पायलट थे वो बहुत ही सीनियर और बहुत ही डेकोरेटेड पायलट थे। नाउ जब भी इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है दैट इज़ द ब्लैक बॉक्स। सो वॉट वी कॉल एक्चुअली द ब्लैक बॉक्स इज ए मिसनोमर। एक्चुअली द ब्लैक बॉक्स कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, द FDR दैट इज द फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड अनदर इज द CVR दैट इज द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये बेसिकली जो हैं दे आर एट द टेल्स, नियर द टेल होते हैं ये, जिसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये बेसिकली ऑरेंज कलर के होते हैं, दोनों ब्लैक कलर के नहीं होते। एंड व्हाई दे आर ऑरेंज इन कलर, सो दैट इन केस ऑफ एक्सीडेंट दे कैन बी इजीली रिकवर्ड। अब थोड़ा सा हम देख लें इनमें अंतर क्या है। आप ये जो देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं फ्लाइट रिकॉर्डर है, दैट इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। सो इट रिकॉर्ड्स द एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है कि एयरक्राफ्ट का फ्लाइट का परफॉर्मेंस कैसा था, जो कि एक ऑरेंज कलर का होता है और टेल साइड होता है। और ब्लैक बॉक्स का दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूंट है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसका नाम है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। सो द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकॉर्ड द ऑडियो सिग्नल्स ऑफ द पायलट एंड अदर ऑडियो सिग्नल्स इनसाइड द कॉकपिट। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो ब्लैक बॉक्स में जो चीज़ें पाई जाती हैं दैट इज द फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उस पर यह जाँच होगी और फाइनल रीजन पता चलेंगे। प्राइमा फेसी इट इज नॉट ए मिस्टेक ऑफ द पायलट, रादर द डेकोरेटेड पायलट सेव द लाइफ ऑफ हंड्रेड ऑफ पैसेंजर्स। सो द पायलट इन कमांड वॉज कैप्टन DV साठे। ही वॉज इन ए वेरी एक्सपीरियंस एंड डेकोरेटेड पायलट एंड विद अराउंड 10,000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस and at almost 27 times he had landed on the airport and he was a decorated pilot of the Indian Air Force and he used to train the other pilots। to
तो इतने अच्छे पायलट थे जिसके कारण आप समझ लीजिए कि कुछ ही लोग मरे हैं, नहीं तो हताहतों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती थी। एंड वन ऑफ द रीज़न इज कि इट्स ए टेबल टॉप एयरपोर्ट, ऑल दो टेबल टॉप एयरपोर्ट बाई इट सेल्फ यू मे कॉल इट ऑन वन साइड यू कैन से दे आर लिटिल अनसेफ बिकॉज इन केस ऑफ देर इज सम मिस्टेक देन द चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर मल्टीप्लाइड। तो ये जो टेबल टॉप एयरपोर्ट होते हैं अपने आप में एक हद तक हम कह सकते हैं थोड़े तो जोखिम होता ही है, क्योंकि अगर पायलट ने कहीं गलती की तो फिर जो है एक्सीडेंट की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड दिस इज द सेकेंड टेबल टॉप एयरक्राफ्ट इन इंडिया इन विच वी सी द क्रैश इन विद इन 10 ईयर्स। और इसके पहले आपको पता ही है कि जो मैंगलोर कर्नाटक में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था एंड 158 पीपल डाइड। देखिए इस तरह का होता है, पहाड़ को कट के बनता है टेबल टॉप, ये देख रहे हैं इस तरह से ये टेबल टॉप की तरह ये रनवे है एंड दिस इज़ द एक्चुअल यू नो विजन ऑफ द एक्चुअल पिक ऑफ द कोझीकोड इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रनवे लेंथ, तो स्टैंडर्ड रनवे लेंथ डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स। फॉर अप्रॉक्सीमेटली लैंडिंग ऑफ द प्लेन ऑफ अराउंड 91,000 किलोग्राम द लेंथ ऑफ द रनवे शुड बी एटलीस्ट 1800 मीटर, यानी 1.8 किलोमीटर लंबाई होना चाहिए रनवे की अगर 91,000 किलोग्राम भार के अगर विमान वहाँ उतारने हो। एंड फॉर लार्जर एयरक्राफ्ट इट शुड बी एटलीस्ट 2,400 मीटर्स ऑफ रनवे लेंथ। और जो बड़े वायुयान होते हैं जो 91,000 किलो से भी कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं उनके लिए कम से कम 2.4 किलोमीटर की रनवे लेंथ होना चाहिए, हालांकि ये फिगर और भी पैरामीटर्स डिसाइड करता है। एंड इंडिया देर आर नंबर ऑफ रिस्क प्रोन एयरपोर्ट्स एंड एयर स्ट्राइक्स लाइक फ्यू ऑफ देम आर लाइक द पटना एयरपोर्ट। हेयर द रनवे लेंथ इज शॉर्टर देन द प्रिस्क्राइब्ड। बर्ड हिट्स आर वेरी कॉमन एंड द नेम ऑफ द पटना एयरपोर्ट इज द जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड हेयर द एयरपोर्ट्स रनवे लेंथ इज जस्ट 2,072 मीटर्स, आउट ऑफ विच जस्ट 1,930 मीटर इज फॉर लैंडिंग। तो 2 किलोमीटर से भी कम है यहाँ एक्चुअल रनवे लेंथ पटना की, और बहुत ज़्यादा ये खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। सिमिलर इज द केस विद द जम्मू एयरपोर्ट, हेयर ऑल्सो रनवे लेंथ इज वेरी शॉर्ट। सिमिलर इज द शिमला एयरपोर्ट, द मैंगलोर एयरपोर्ट, इट इज़ अगेन ए टेबल टॉप रनवे। एंड इन मैंगलोर इन 2010 a plane had overshoot the runway and fell into a gorge killing 158 people. The Calicut we are studying currently, it has the crash, it is again a tabletop runway. The Kullu airport of the, say the Kullu Manali we say na, so the Kullu airport, again this is located in a deep valley, it's very you know challenging. Then the Aizawl airport and which is also known as the Langpui airport. So it is 32 kilometers from Aizawl, the capital of Mizoram, and the Leh airport. So with the flight path of the Leh airport, I have personally gone there. It is in between two mountains. It's all very beautiful, very awesome, but again it has a risk. And the airport is at a height of 3,256 meters above the sea level. It is one of the highest airport in the world. Pure Himalayas dekhte hain, bahut hi dikhne mein khoobsurat hai, but dangerous hai ye. And in India, the work of the aviation safety belongs to the Airport Authority of India. Yani Bharat mein jo vimanan aur nagrik udyan se sambandhit suraksha ka kaam hai, ye Airport Safety Airport Authority of India karti hai. And it monitors the aerodrome operations. ये देखती है कि aerodrome में proper जो hazard standards हैं follow हो रहे हैं या नहीं. It monitors the air navigation operation. It monitors the aerodrome design activities, planning, engineering, उन सब चीज़ों को देखती है. And it assists the different directorates related with the safety management. जो Airport Authority of India है
ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं ये साथ में साझा करती है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और अदर स्टेक होल्डर्स से. सो करेंटली द करेंट एयर क्रैश इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एंड वी एक्सपेक्ट द रिपोर्ट टू कम वेरी अर्ली. And after that, there should be suitable measures which should be executed in India so that such accidents should not occur in India. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.